आज हम ऑटोमोबाइल के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन अपना, ऑटोमोबाइल क्या है? ऑटोमोबाइल दो शब्दों से मिलकर बना है, ऑटो और मोबाइल। ऑटो का मतलब है स्वयं और मोबाइल का मतलब है चलना। ऐसा वाहन जो अपनी शक्ति पर चलता है उसे ऑटोमोबाइल कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन अपना, व्हील यानी पहिया किसे कहते हैं? पहिया एक गोल आकार का होता है जो अपने केंद्र पर घूमता है। पहिया अपना गोल आकार का होता है जो अपने केंद्र के ऊपर घूमता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, पहिए का आविष्कार कब और कहाँ हुआ? इसका आविष्कार 3500 BC ईसा पूर्व कहाँ पर? मेसोपोटामिया में, जो कहाँ पे अभी इराक में। पहिए का आविष्कार 3500 ईसा पूर्व मेसोपोटामिया में हुआ, जो कहाँ पे है? इराक में। यह लगभग 5500 साल पुराना है। अगर वर्ष पूछा जाए तो यह 5500 वर्ष पुराना है। सबसे पहले पहिए का प्रयोग कहाँ हुआ? सबसे पहले पहिए का प्रयोग मेसोपोटामिया के रथों में किया गया, कब? 3200 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन अपना, हब एवं आयरन रिंग के साथ क्लासिक तिल्ली वाला पहिया कब से कब तक प्रयोग किया गया? यह पहिया लगभग 500 ईसा पूर्व से 20वीं शताब्दी तक प्रयोग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, मिस्र के नागरिकों ने सबसे पहले कब एवं किस प्रकार के पहियों का इस्तेमाल किया? उन्होंने सबसे पहले 2000 ईसा पूर्व में अपने रथों में तिल्ली से बने पहियों का इस्तेमाल किया। जो मिस्र के नागरिक थे उन्होंने 2000 ईसा पूर्व में जो उनके रथ थे उन्होंने तिल्ली से बनने वाले पहियों का प्रयोग किया। नेक्स्ट है, उसके बाद अपने कुछ खालिस्तान इस लेसन के। फर्स्ट है, सारे समय की मैकेनिक आविष्कारों में से एक सबसे बड़े किसको माना जाता है? पहिए को। जितने भी आविष्कार हुए पहिए उनमें सबसे महत्वपूर्ण था। पहिए का आविष्कार कहां पर हुआ था? मेसोपोटामिया में, लगभग 3500 ईसा पूर्व में हुआ था, जो कि कितने साल पुराना है? 5500। पहिए का आविष्कार मेसोपोटामिया में हुआ जो 3500 ईसा पूरा हुआ था, और वो अगर वर्ष से पूछा जाए तो 5500 वर्ष पुराना है। पहिया एक खालिस्तान भाग है जो अपने खालिस्तान के चारों ओर घूमता है। पहिया एक गोलाकार भाग है जो अपने केंद्र के चारों ओर घूमता है। नेक्स्ट है, पहिया एक खालिस्तान है जो खालिस्तान को किसी तल पर गति के योग्य करता है, जहाँ पर वस्तु को उस पर तल पर कोई बल दबाव हो। पहिया एक उपकरण है जो वस्तु को किसी तल पर गति के योग्य करता है, जहां पर वस्तु को उस तल पर कोई बल दबाव हो। नेक्स्ट है, पहिए का इंटरफेस पर फ्रिक्शन का गुणांक हमेशा क्या होता है? कम। यह अपने लेसन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है, व्हील कार्ट यानी लकड़ी की गाड़ी, व्हील कार्ट क्या है? व्हील कार्ट एक ऐसा वाहन है जिसको दो पहियों का प्रयोग कर ट्रांसपोर्ट के लिए डिजाइन किया गया है। जो व्हील कार्ट लकड़ी गाड़ी क्या है जिसमें दो पहिए लगे होते हैं और जिसका प्रयोग हम ट्रांसपोर्ट यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान को ले जाना, व्यक्तियों को ले जाने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HP से क्या अभिप्राय है? यह शक्ति कितने व्यक्तियों की शक्ति के बराबर होती है? HP से अभिप्राय अपना हॉर्स पावर। हॉर्स पावर क्या होती है? एक गोड़ एक शक्ति के बराबर, जितने व्यक्ति काम करेंगे उसे एक हॉर्स पावर कहते हैं। यह शक्ति लगभग 10 से 12 व्यक्तियों के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाड़ियों खींचने वाले पशुओं के मुख्य रूप से कौन से पशुओं का प्रयोग किया जाता है? जो अपनी ये व्हील कार्ट है इसको कौन कौन से पशु खींचते हैं? इसमें घोड़ा गाड़ी, खच्चर गाड़ी, बैल गाड़ी, भैंसे, गधे, बकरी और बड़े कुत्तों का प्रयोग किया जाता है व्हील कार्ट को खींचने के लिए। उसके बाद है व्हील कार्ट के नाम, जो अपनी व्हील कार्ट होती है
उनके नाम बताने हैं कौन कौन सी है। व्हील कार्ट के नाम, व्हील कार्ट के अंदर हमारे हैंड कार्ट, ऑक्स कार्ट, बुल कार्ट और डॉग कार्ट, इनका प्रयोग किया जाता है। बैलगाड़ियां आजकल कहाँ प्रयोग की जाती है या बैलगाड़ियां किसानों के लिए किस प्रकार करती है, इनका प्रयोग आजकल वहां पर किया जाता है जहां आधुनिक वाहन बहुत महंगे हैं, वह उनकी व्यवस्था नहीं है, मतलब जहां पर हमारे वाहन है, व्हीकल है, वो बहुत महंगे हैं और जहां पर उनका प्रयोग नहीं किया जाता वहां पर हम बैलगाड़ियों का प्रयोग करते हैं। महाभारत के समय व्हील कार्ट क्यों प्रयोग की जाती थी? महाभारत के समय व्हील कार्ट इसलिए प्रयोग की जाती थी क्योंकि उस टाइम परिवहन के साधन नहीं थे और उस समय रथों का प्रयोग किया जाता था। रथ किसके द्वारा खींचे जाते थे? घोड़ों के द्वारा। उसके बाद अपने कुछ खालिस्तान है, छकड़ा गाड़ी खालिस्तान द्वारा चलाई जाती है। छकड़ा गाड़ी कौन चलाता है? आदमी या पशुओं के द्वारा इसको खींचा जाता है, चलाया जाता है। महाभारत में रथों को खालिस्तान द्वारा खींचा जाता था घोड़ों के द्वारा। बैलगाड़ी सांड गाड़ी एक बैलों से खींचे जाने वाला क्या है? वाहन। जो बैलगाड़ी और सांड गाड़ी होती है बैलों के द्वारा खींचे जाने वाला वाहन है। एक घोड़े की शक्ति औसत कितने व्यक्ति काम करते हैं? 10 से 12। Thank you.